गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम नया लेसन, आज हम नया चैप्टर, नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है शरीर में गति, मूवमेंट्स इन द बॉडी। जो हमारा सिक्स क्लास का चैप्टर है, एट चैप्टर है, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, जो हम चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें उसका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा ये है शरीर में गति, हमें उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक में, मतलब हम जो हमारा पूरा लेसन है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है शरीर, शरीर में गति पढ़ रहे हैं, तो हमें शरीर का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। शरीर मीन्स बॉडी, जो हम सबकी शरीर होता है, ठीक है ना, जो हमारा स्केल्टन होता है, जो हम स्केल्टन पे जो हमारे मसल्स जड़ी होती हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, जिसमें आर्म्स भी होती हैं, लेग्स भी होती हैं, उन सारे, हमारा फेस भी होता है, उन सारे स्ट्रक्चर को मिला के, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, हम शरीर बोलते हैं, ठीक है ना। कोई जैसे पर्सन हो गया, ठीक है ना, ये इसके हाथ या ऐसे बना लें हम, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ये क्या कहलाएगा, ये शरीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगा, शरीर कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों, जो हमारा ये वाला वर्ड आता है गति, गति का जो मीन्स होता है वो इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसका मीनिंग होता है मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है ना। मूवमेंट तभी, मोशन या मूवमेंट तभी मानी जाती है जब कोई पर्सन, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई भी बंदा एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करे, मतलब वो जाए ही ले। जैसे एग्जांपल, कोई भी पर्सन है, अगर वो ए पोजीशन पे है, ठीक है ना, और वो बी पोजीशन पे जाता है, यहाँ से वो यहाँ पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर है शरीर में गति, जो हमें पढ़ना है। हमें अब इसका टॉपिक के बारे में हमें समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है, तो हम आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम आगे अपना लेसन पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेसन को रीड करते हैं, एक एक पैराग्राफ हम रीड करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर समझेंगे कि इस पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, इस पैराग्राफ में हमें क्या दे रखा है। अच्छा देखो, ये पैराग्राफ पहले हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए, मतलब बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते वक्त अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों और का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। अब ये क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि आप बिल्कुल शांत बैठिए, आप जहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल शांत बैठ जाइए और महसूस कीजिए और फील कीजिए कि आपके जो शरीर में क्या क्या मूवमेंट हो रही है, आप फील कीजिए। आप क्या देखते हैं कि आपकी बार बार जो पलकें होती हैं बार बार झपकती हैं, ठीक है ना। आप अगर आपने अभी तक महसूस या फील नहीं किया है तो आप अब फील करके देखिए। आप शांत बैठिए और देखिए क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या गतियाँ होती हैं। तो क्या होता है, हमारी जो पलकें होती हैं ना बार बार झपकती हैं, बार बार वो ये झपकती ही हैं, हमारी पलकें जो हैं झपकती हैं। और इसमें क्या लिखा है, श्वास, मतलब हम कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गतिविधियाँ अपने अंदर आप नोटिस करिएगा, अगर नहीं करी है तो आपने। और श्वास का क्या है, हम निरंतर लगातार हम सांस श्वास ले रहे हैं, ठीक है ना। एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल माने सांसों को छोड़ना, ठीक है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, मैदान में जाते हैं, विद्यालय के पास घूमते हैं, वास्तव में चलकर जाते हैं, दौड़कर जाते हैं दूसरे स्थान। इस हमारा पूरा पैराग्राफ में ये क्या लिखा है कि जब आप अपनी नोटबुक लिखते हैं तो अगर आप एक जगह शांत भी बैठे हैं, ठीक है ना, तो हम अगर हम एक इसमें क्या, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो आपका कौन सा शरीर का कौन सा भाग हिलता है आप महसूस कीजिएगा और अपनी नोटबुक में आप इसको लिखिएगा। ऐसे ही जब आपकी टीचर आपको बुलाती है नोटबुक लेकर, तो आपका कौन सा भाग उस टाइम यूज़ होता है। इस सारे पैराग्राफ में आपको यही लिखा कि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं,
कूदते हैं तो आपका कौन सा भाग जो है मूवमेंट करता है, मूव करता है, ये सारा हमारा इस पैराग्राफ में दे रखा है। आगे हम जो बढ़ते हैं, आप क्या लिखा है इसमें, आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करें कि 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। सोचो, जब हवा चलती है, ठीक है ना, जब एयर, जब वाइंड चलती है, विंड चलती है, सॉरी विंड जब विंड चलती है, तो जो पौधे होते हैं उनका आपने कभी मूवमेंट को नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो अब मेरे कहने पे कीजिएगा। तो क्या होता है, उनके जो पत्ते होते हैं, उनकी जो लीफ होती है, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, कई बार उनके फ्लावर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे जो है मूवमेंट करते हैं। अगर आप नोटिस नहीं किया है तो एक बार आप नोटिस करिएगा। अब क्या है, हम सारणी जो हमारी दे रखी है 8.1, बच्चों आगे की जो 8.1 है हमारी जो सारणी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। अब तक जितना भी मैंने आपको समझाया है, बताया है, उसको आप रीड कीजिएगा और ध्यान से उसको पढ़ो, ठीक है बच्चों।